Mr. Navarsky, please follow me. Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia. Do I buy the Nike shoes? Beyond those doors is American soil. There is a man walking around the terminal in a bathrobe. I, 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 help you. Thanks. You are the kind of woman who can get any guy she wants. Hello, friend. Welcome to our YouTube channel. तो फिर आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो पॉंट पॉंट मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट टमाटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61% परसेंट है जिसकी 55% फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हजार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी है जिसकी 55% फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हजार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्किस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्क पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्कर्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटी टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61% परसेंट है जिसकी 55% फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हजार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्कर्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटी टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट टमाटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो पॉंट पॉंट मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्क पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आईएमडीबी एम रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी है जिसकी 55 परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है, जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हजार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो पो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्किस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट एंड रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग 61% है जिसकी 55% मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61% परसेंट है जिसकी 55% फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हजार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है, जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटी टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्कर्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्क पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग 61% है जिसकी 55% मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग 61% है जिसकी 55% मेटाक्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो पॉंट पॉंट मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोट टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज़ किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर जहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एम्डिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्किस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन पॉइंट फोर है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86% परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है 4.7 पॉइंट जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो पॉंट पॉंट मिलियन की कमाई करके एक हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आई अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रैन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ उन्नीस पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रिटिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यूएसए में 18 जून 2004 को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग सेवन है और इसकी रोटेन टोमेटो रेटिंग सिक्सटी वन परसेंट है जिसकी फिफ्टी फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को एटी सिक्स परसेंट गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो हज़ार चार को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों डा टर्मिनल जो कि साल 2004 में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्थ पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बलग्रेन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो सौ पॉइंट फोर मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज हम बात करेंगे द टर्मिनल मूवी के शानदार रिव्यू के बारे में जो साल 2004 में आई जबरदस्त रोमांस ड्रामा फिल्म है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि बहुत ही शानदार फिल्म है जिस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया है जिसकी आई रेटिंग 7.4 है और इसकी रोटेन टमेटो रेटिंग 61 परसेंट है जिसकी 55 फाइव परसेंट मेटा क्रेडिक रेटिंग मिली है जिस फिल्म को 86 परसेंट गूगल यूजर्स ने लाइक किया है और इसको यू में अठारह जून दो को रिलीज किया गया था जिस मूवी की ऑडियंस रिव्यू भी काफ़ी कमाल और पॉजिटिव है फोर पॉइंट सेवन जहाँ पर पंद्रह सौ से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है तो दोस्तों द टर्मिनल जो कि साल दो हज़ार चार में आए अमेरिका कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिस मूवी की लंबाई काफ़ी अच्छी है जिसको लंबाई एक सौ अट्ठाईस मिनट बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन कंपनी काफ़ी अच्छी है एमलिन इंटरटेनमेंट ड्रीम वर्ल्ड पिक्चर्स पार्केस मैकडोनाल्ड प्रोडक्शन से जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ड्रीम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ने और इस मूवी की कंट्री यूनाइटेड स्टेट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और बल्गेरियन और रशियन है इस मूवी को बनाने में साठ मिलियन की बजट लगी थी और इसने दो मिलियन की कमाई करके एक सुपर हिट मूवी साबित हुई थी तो दोस्तों अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल की मूवी है